सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और हम चलते हैं जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर अल्टरनेट में। हमने 7 चैप्टर तक बात कर लिया था, आप अगर वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर प्लेलिस्ट में देख लें। अब हम 8वें चैप्टर की बात करते हैं। 8वां चैप्टर आपका है चाल एवं वेग, अर्थात इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी। और इसको समझने से पहले हम इससे कुछ छोटी बातों को ध्यान देते हैं। पहले तो इसमें हम पहला पॉइंट की बात करेंगे, स्थिर पिंड। क्या कहते हैं? स्थिर पिंड हमारा पहला पॉइंट है, या इसी को मैं भी कह सकते हैं स्थिर काय। काय माने भी पिंड होता है, स्थिर काय। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉडी ऑफ रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, ये होता हमारा। तो हम स्थिर पिंड किसे कहेंगे, किस पिंड को स्थिर पिंड कहते हैं, थोड़ा समझने का प्रयास करें। जैसे हम यहां पर बैठे हैं, हम अपने आप को स्थिर कब मानेंगे? हमारे इर्द गिर्द जो वस्तुएं हैं, अगर उस वस्तुओं के सापेक्ष अगर हम अपनी स्थिति को न बदल पाए, जैसे हमारे पास पास में श्यामपट है, दीवार है, मेज है, कुर्सी, तमाम चीजें हैं, अगर उनके सापेक्ष अगर हमारी दूरी बरकरार है, जो दूरी वही फिक्स हो, तो हम कह देंगे हम किस अवस्था में हैं, हम जो है विराम अवस्था में हैं, स्थिर अवस्था में हैं। तो स्थिर अवस्था का मतलब होता है कि जब कोई पिंड अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष या अपने वातावरण, जिस वातावरण में उसके इर्द गिर्द वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता हो, तो उस पिंड को हम क्या कहते हैं, स्थिर पिंड कहते हैं। हम परिभाषा की बात करें, परिभाषा है हमारा, जब कोई पिंड अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन न करता हो तो उस पिंड को क्या कहते हैं, स्थिर पिंड या स्थिर काय कहते हैं। हमने समझा भी दिया आपका, तो एक स्थिर पिंड या स्थिर काय की हमारी परिभाषा है। तो अब हम दूसरी बात करते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसमें सेकेंड पॉइंट जो होता है गतिशील पिंड की बात करें, गतिशील काय की बात करें, इसको मिटा दें, इसको मिटाते हैं, दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, गतिशील पिंड या गतिशील काय, गतिशील काय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी एट मोशन, मतलब पिंड की गति अवस्था। तो होता है क्या, देखिए अब थोड़ा इसकी बात करें, इसमें क्या था, स्थिर पिंड के लिए क्या था, जब कोई पिंड अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलता हो तो स्थिर हो गया। गतिमान पिंड क्या कहेंगे, जब कोई पिंड अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति में क्या करता हो, परिवर्तन करता हो, तो उस पिंड को क्या कह देंगे, हम गतिशील पिंड कह देंगे। इसको हम क्या बना देंगे, गतिशील पिंड कहेंगे। मतलब परिभाषा से वैसे बस दो ही कंडीशन इसमें यूज करना है, स्थिर में वह अपने आसपास के सापेक्ष वस्तुओं की स्थिति को नहीं बदलता है, जबकि गतिशील पिंड जो होते हैं ऐसे पिंड होते हैं जो अपने आसपास के वस्तुओं के सापेक्ष, अपने वातावरण के सापेक्ष या उसके इर्द गिर्द जो भी वस्तुएं हैं उसके सापेक्ष अपने पोजीशन को, अपनी स्थिति को बदल रहा हो, तो ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, गतिशील पिंड, या उसी को गतिशील काय भी कहते हैं। काय माने पिंड। तो ये दो बात हुई। अब हम थोड़ा सा बात ही करते हैं, जो है इसमें हमें पढ़ना क्या है, चाल एवं वेग। तो हमने उसमें चाल वेग को पढ़ने से पहले हमने किसी पिंड, मतलब क्योंकि भाई हम किसी पिंड का ही या किसी वस्तु का ही चाल वेग ज्ञात करेंगे, कोई पिंड है कोई वस्तु है तो उसकी हम चाल वेग की गणना करेंगे। तो पहले हमने पिंड वस्तु के बारे में, मतलब वस्तु की स्थितियां तो होती हैं, या तो गति अवस्था में होगा या तो वह स्थिर अवस्था में होगा। तो हमने दोनों की स्थिति बात की, गति अवस्था क्या होती है हमने समझाया, और दूसरी बात हमने किया कि आपका जो है स्थिर अवस्था क्या होता है, स्थिर काय क्या होता है। तो किसी पिंड, कोई पिंड स्थिर अवस्था में तब होता है जब अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदल पाता हो, तो उस वस्तु को स्थिर वस्तु कहते हैं या स्थिर पिंड कहते हैं। और वह पिंड या वह वस्तु जो अपने आसपास के समीप स्थित वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रहा हो, उसकी स्थिति लगातार चेंज हो रही हो, तो
ऐसे पिंड को हम क्या कहते हैं, गतिशील पिंड या गतिशील काय कहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कहते हैं आगे दूरी की। दूरी क्या होती है, अगले पॉइंट की बात करेंगे हम, दूरी डिस्टेंस। दूरी इसको इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस, क्योंकि देखिए ये थोड़ा जनरली चीजें हैं, सामान्य चीजें हैं। एक अच्छा 6-7-8 से लोग शुरू करते हैं और कुछ लेवल तक ये सब चीजें मिलती रहते हैं आपको। तो दूरी क्या होता है अगर हम इसकी बात करें थोड़ा सा, तो देखिए हम कह देंगे दूरी क्या होता है कि अगर कोई वस्तु कोई पिंड अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलता हो तो चलते समय जितने वह पथ की लंबाई तय करता है। जैसे कह दें कोई पिंड ए पर है और टहल करके बी पर चला गया, या एक वस्तु को उठाए ए से लेकर जाए बी तक पहुंचा दे उसे, तो ए से बी तक ले जाने में जो पथ की लंबाई तय किया, किस पथ पर जाकर के वह ए से बी तक पहुंचा, उस पूरे पथ की लंबाई जो होगी हमारा क्या कहलाएगा, उस पिंड द्वारा चली गई दूरी कहलाएगा, उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी होगा, मतलब जो वस्तु है जो पिंड है उसके द्वारा तय की गई दूरी कहलाएगा। जैसे हम कहते हैं कोई वस्तु अगर ए से बी इस मार्ग पर चल रहा है, अपने चित्र में दिखा रहे हैं आपको किस चित्र के अनुसार वो मार्ग पर चल रहा है, और हम कहते हैं ए से बी तक जो पथ है इसकी पूरी लंबाई जो आपका 10 मीटर है, तो हम कहते हैं अगर कोई वस्तु ए से चलकर बी तक पहुंचा तो हम कहते हैं वह क्या हुआ, वह जो 10 मीटर की दूरी तय किया, ऐसा हम कह सकते हैं। मतलब दूरी क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, मतलब जिस पथ पर वो चला वो कितनी लंबाई तय की, उसी लंबाई को उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कहते हैं। तो अगर हम दूरी की परिभाषा लिखें तो हम क्या कहेंगे, किसी गतिशील वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई पथ की लंबाई, उस वस्तु या पिंड द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है, मतलब दूरी से मतलब है कितने पथ की लंबाई तय कर रही, कितना वह दूरी मतलब जो पथ पर चला उसकी लेंथ क्या थी, कितना लंबाई उसकी है पथ की, वही उसकी दूरी होगी। और दूरी जो होती है एक अदिश राशि होती है, तो हम बात करें दूरी हमारी कैसी राशि है, अदिश। ये आपसे कभी कभी कंपटीशन के लेवल पर भी और परीक्षाओं में भी पूछ लेते हैं आपका, तो दूरी अदिश राशि है। कहेंगे एक ऐसे तो दूरी अदिश इसलिए है क्योंकि हमें बस पथ की लंबाई तय करना, दिशा का रोल नहीं है, चाहे इधर से घूम कर आए हमें उससे नहीं मतलब है, हमें मतलब कि दूरी कितना तय किया, एक पथ की जो लंबाई कितना तय किया वही लेंथ ही इसकी क्या कहलाएगी, दूरी कहलाएगी। अगर मान लीजिए हमने कहते भाई अगर कोई व्यक्ति ए है और बी है, अगर ए से बी तक चला, अब वो चाहे ऐसे घूम करके ए से बी तक घूम करके चला या सीधा ए से बी तक चला गया, चाहे ऐसे घूमकर यहां से आ जाए, मतलब किसी भी पथ से चले, वह ए से बी तक उसे पहुंचना है, तो ए से बी तक पहुंचने के लिए जितना लंबाई तय कर रहे हैं चाहे जिस पद से चले, अब अलग अलग पथों के लिए लंबाइयां अलग अलग सबकी होंगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि ए से बी तक चलने के अगर पथ अलग अलग है तो उनके द्वारा तय की गई दूरी भी भिन्न भिन्न होगी, अलग होगी। हम कहते हैं भाई कोई व्यक्ति ए, यहां से कोई व्यक्ति है आपका, एक व्यक्ति पी, दूसरा व्यक्ति आप क्यू है, तीसरा व्यक्ति आपका आर है, और यहां से ए से बी के लिए जाने के लिए तीन रास्ते हैं। एक यहां पर हमने दिखाया, बल्कि थोड़ा इसको हम सही से बना दें तो और सही होगा, हम इसको ए कह दें इसको बी कह दें। हम कह दें ए से बी जाने का ये पहला रास्ता है, पहला मार्ग जो ए से बी तक जाता है, दूसरा मार्ग ये थोड़ा ऐसे चला गया, तीसरा मार्ग आपका ऐसे आ गया, चौथा मार्ग ऐसे है, ये पहला मार्ग है, दूसरा मार्ग है, तीसरा मार्ग है, चौथा मार्ग है। और हम तुमसे कहते भाई बताओ कि अगर ए व्यक्ति अगर भिन्न भिन्न मार्गों से चल करके अगर ए से बी तक पहुंचे तो क्या उसकी दूरी समान होगी क्या, या सबकी दूरी सबके द्वारा तय की दूरी एक ही होगी क्या, तो ये नहीं कह सकते।
क्योंकि दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करता है, जितना वो लंबाई तय करेगा जिस पथ पर जाएगा, जिस उस पथ की जितना लेंथ होगा वही लेंथ ही उसकी पथ की लंबाई ही उस वस्तु द्वारा तय की दूरी होगी। इसलिए हमें कह सकते हैं कि अगर आप ए से बी तक एक स्थान से दूसरे स्थान तक भिन्न भिन्न मार्गों द्वारा अलग अलग रास्ते द्वारा ए से बी तक पहुंचते हैं तो उस समय आपके द्वारा तय की गई दूरी भी भिन्न भिन्न होगी, आपकी दूरियां जो होंगी अलग अलग होंगी। तो ये हमारा है। और दूसरी बात यह है, हम थोड़ा सा इसके मात्रक की बात करें, दूरी की मात्रक की बात करते हैं। दूरी का मात्रक अब देखिए, हमने बोला दूरी क्या है, पथ की लंबाई, तो लंबाई का मात्रक जो होगा वही दूरी का मात्रक होगा। तो हम कह सकते हैं लंबाई को नापने के लिए हमारा क्या है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिली, तमाम बहुत से मात्रक होते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे लिए मुख्यतः लंबाई या मात्रक लिखने की, जो किसी भौतिक राशि के मात्रक लिखने के लिए हमारे पास तीन ही पद्धतियां होती हैं, जिसमें पहला पद्धति की बात जो किया था वो सीजीएस बात किया था, सीजीएस पद्धति। और हमने इसको पहले भी क्लियर कर चुके हैं, सीजीएस पद्धति होती क्या है। तो सीजीएस पद्धति क्या होता है कि यदि किसी भी राशि का मापन करते समय उसमें लंबाई को हम सेंटीमीटर माप लें और द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाए, मतलब सेंटीमीटर में मापे, इसको हम ग्राम में मापे और इसको हम जो है सेकेंड में मापे, तो हमारा सीजीएस होता है। ये बात पीछे भी हमने कर चुका आपसे। दूसरी बात अगर हम कहते हैं, दूसरा जो पद्धति होता है आपका उसे हम एमकेएस कहते हैं, एमकेएस पद्धति। इसका मतलब क्या है, यदि किसी भौतिक राशि का मापन करते समय अगर उसके लंबाई को मीटर में नापा जाए, इसमें नापे हम मीटर में, द्रव्यमान को किसमें मापा जाए किलोग्राम में, और समय किसमें मापे हम सेकेंड में मापे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एमकेएस पद्धति के अनुसार मापन कहलाता है। और देखिए इसी एमकेएस पद्धति को हम एसआई प्रणाली सिस्टम भी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली सिस्टम, क्योंकि इसी को पूरे विश्व में यह प्रणाली प्रचलित है, इस माप को पूरे विश्व पर रखा गया है, इसलिए हम इसको एमकेएस पद्धति कहते हैं या एसआई प्रणाली भी कहते हैं। तीसरा हमारा जो होता है आपका एफपीएस पद्धति होता है। एफपीएस पद्धति क्या होता है कि लंबाई को हम उसमें फुट में मापे, मतलब भौतिक राशि का मापन करते समय नापते समय अगर लंबाई है तो उसको फुट में मापे, द्रव्यमान में है द्रव्यमान को मापना है तो पाउंड में मापा जाए, और समय को मापना है तो सेकेंड में मापा जाए। तो हम कह देंगे कि उस भौतिक राशि का मापन हम जो है एफपीएस पद्धति के अनुसार कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें दूरी की मात्रा की बात करें, दूरी की मात्रा की बात करें, तो हम पहला बात करते हैं सीजीएस के अनुसार। तो सीजीएस के अनुसार दूरी की मात्रा किसमें मापेंगे हम, सेंटीमीटर में। तो हम कह सकते हैं कि सीजीएस में दूरी का मात्रा क्या होता है आपका सेंटीमीटर, 60 में सेमी लिखते हैं या सेंटीमीटर। दूसरा अगर हम बात करते हैं कि दूरी का मात्रक एमकेएस पद्धति के अनुसार क्या होगा, तो जानते हैं कि एमकेएस पद्धति में दूरी किसमें मापेंगे हम, मीटर में मापेंगे, इसलिए हम कह देंगे में दूरी का मात्रक मीटर होता है। तीसरी हम बात करते हैं कि एफपीएस पद्धति में दूरी का मात्रक क्या होगा, तो जानते हैं कि एफपीएस पद्धति में दूरी किस में मापते हैं, फुट में मापते हैं, तो आपका क्या होगा फुट हो जाएगा। इसलिए दूरी के हमारे जो सीजीएस में इसका मात्रक हमारा क्या होगा आपका सेंटीमीटर, एमकेएस में क्या होगा मीटर, और एफपीएस पद्धति के अनुसार इसका मात्रक फुट होता है। तो हमने एक दूरी की बात किया, दूरी क्या होता है, दूरी कैसी राशि है, सदिश या अदिश, तो अदिश होता है, और दूरी का मात्रक क्या होता है, तीनों पद्धति में बात कर लिया। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, विस्थापन। अगला पॉइंट हमारा क्या है, विस्थापन। तो चले विस्थापन की बात करें, तो इसके पहले हम डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, विस्थापन कहते हैं किसे, विस्थापन इसको हम इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ये कहते हैं। अब देखिए विस्थापन क्या होता है, थोड़ा सा पहले समझ लें तो फिर परिभाषा लिखते हैं इसकी। देखिए अगर ए और बी अगर दो स्थानों, दो भिन्न भिन्न स्थान हो, और हम कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर ए से बी या कहीं भी, मतलब ए से बी या कह सकते हैं कि दो स्थानों के बीच वह किसी निश्चित दिशा में तय करता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं रात में गए और रात में गए आपको पता नहीं है जिस स्थान पर गए, कुछ आपका जो है अनजाना स्थान है जिसके बारे में आप जानते नहीं है, तो वहां पर गए किधर पूर्व किधर पश्चिम क्या है तुम्हें दिशा का ज्ञान नहीं है,
अब रात भर आपने वहां पर गए, रात भर आप गए, रात भर आपने एक स्थान दूसरे स्थान तक घूमते रहे, तो रात भर आपने अगर आपको दिशा का ज्ञान नहीं रहा, अब रात भर चलते गए तो हम कह सकते हैं रात भर क्या किया, दूरी तय किया। बट अगर वही आपको पता होता कि हम रात में चल रहे हैं तो हमें पता कि हम पूरब में चल रहे हैं, दिशा का ज्ञान होता है भाई हमने यहां से ए से बी तक गया और ए से बी की दिशा में चलने मतलब हम पूरब में चल रहे हैं, तो हमें दिशा का भी ज्ञान हो, तो अब वही दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कुछ नहीं बल्कि हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी दूरी दिशा के साथ तय करें, जैसे हमें मान लें भाई चल रहे हैं, हम चल रहे हैं किसी दिशा में कहीं भी जा रहे हैं और हमें दिशा का ज्ञान है कि हम पूरब में जा रहे हैं, पश्चिम में जा रहे हैं, जिधर भी चल रहे हैं उस दिशा का ज्ञान आपको हो, तो जो आप दूरी तय कर रहे हैं मतलब जो दूरी तय किया वही दूरी अब विस्थापन कहलाएगा आपका। तो विस्थापन कुछ अलग नहीं है, वह एक प्रकार की दूरी होती है, बस है क्या कि वह किसी निश्चित दिशा में चलना चाहिए, वह जो दूरी तय करेंगे वह किसी निश्चित दिशा में चलकर तय करेंगे, तो उस दूरी को हम क्या कह देंगे, विस्थापन कह देंगे। तो हम कह सकते हैं परिभाषा में किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में चली गई दूरी विस्थापन कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। और अभी हमने बताया कि इसमें विस्थापन में दिशा का रोल होता है, अब निश्चित दिशा में चलेंगे दिशा का ज्ञान आपके पास होना चाहिए कि हम किधर चल रहे हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि पहली बात यह है कि विस्थापन हमारा कैसी राशि होता है, सदिश राशि होता है। क्या होता है हमारा, सदिश राशि होता है, ये सदिश होता है। अब हम थोड़ा मात्रक की बात करें, विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक की बात करें तो मात्रक की बात वही है, तीन पद्धतियों को देखना पड़ेगा। पहला आपने बताया सीजीएस पद्धति, पहला कौन ने बात किया सीजीएस पद्धति, दूसरा हमने किसका बात किया यमकीएस या एसआई कहते हैं उसे, यमकीएस पद्धति, तीसरा हम बात करते हैं एफटीएस पद्धति, हमारे तीन पद्धतियां होता हमने बात आपसे किया। तो अगर हम बात करें विस्थापन, तो विस्थापन भी एक तरह की दूरी होती है, बस बात क्या होती है इसमें दिशा करो, अब जो दूरी तय करेंगे वह दिशा के साथ तय करेंगे, इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि विस्थापन भी एक तरह से दूरी ही है, बट ये है कि बस उसमें दिशा है, किसी निश्चित दिशा में दूरी तय करेंगे। तो अब बताओ दूरी की बात कहते हैं, दूरी के लिए भी बताया तीन मात्रक कि सीजीएस में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर होता है, यमकीएस में दूरी का मात्रक मीटर होता है, और एफपीएस में दूरी का मात्रक क्या होता है हमारा, फुट होता है। तो सेम वैसे ही यमकीएस के सीजीएस के अनुसार जो इसका मात्रक होगा सेम वही होगा, तो क्या कह देंगे हम सीजीएस पद्धति के अनुसार इसका जो मात्रक होगा वह सेंटीमीटर होगा। दूसरी बात हम बात करते हैं यमकीएस के अनुसार, तो यमकीएस पद्धति में इसका मात्रक मीटर होगा और एफपीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होगा हमारा, फुट होगा। तो ये तीन पद्धतियों में इसका मात्रक क्रमशः ऐसे, विस्थापन का भी मात्रक वही होता है जो दूरी का मात्रक होता है। तो हमने ये दो बातें आपसे की, पहले तो हमने बताया कि स्थिर पिंड क्या होता है या स्थिर काय क्या होता है, फिर गतिशील पिंड क्या होता है, गतिशील काय क्या होता है उसके बारे में बताया, फिर दूरी बताया, दूरी किसे कहते हैं, दूरी का मात्रक क्या है, दूरी किस प्रकार की राशि, हमने इसकी बात किया। तीसरी बात किया हमने विस्थापन, विस्थापन किसे कहते हैं और विस्थापन किस कैसी राशि है, किस प्रकार की है, सदिश की अदिश, तो सदिश राशि होता है, और इसके बाद हमने विस्थापन के मात्रक की बात किया। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगला जो हमारा टॉपिक है वह है चार, क्या है आपका, अगली पॉइंट की बात जो करेंगे वो चार की बात करेंगे हम, चलिए चार की बात करें। तो चार इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पीड, चार क्या होता है भाई, हम पहले चाल को समझने से पहले चाल का फार्मूला का थोड़ा समझे, देखिए चाल का जो सूत्र होता है वो दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अगर हम ये कह रहे हैं परिभाषा की बात करें चाल किसे कहते हैं, तो अगर समय को एक माने इसको हम एक कह दें, तो जब एक कह देंगे तो चाल बराबर क्या होगा, दूरी हो जाएगा, और चाल बराबर दूरी का मतलब परिभाषा क्या कह देंगे कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा
अगर कोई वस्तु गति कर रहा है गतिशील अवस्था में, हमने बता दिया अभी गतिशील अवस्था क्या होता है, विरामावस्था क्या होता है या स्थिर अवस्था क्या होता है। तो यदि कोई गतिशील वस्तु एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है उस दूरी को ही उस वस्तु का चाल कहते हैं। मतलब कितने समय में, समय कितना ले रहा उसके साथ वो दूरी कितना तय किया, इसका जो अनुपात है, इसका जो रेशियो है, वही उस वस्तु की चाल कहलाती है। हम ये भी कह सकते हैं चाल की परिभाषा कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय का अनुपात उस वस्तु का क्या कहलाएगा, चाल कहलाएगा। तो दोनों परिभाषा यहां से बोल सकते हैं, हम दोनों लिखेंगे नहीं, हम एक परिभाषा लिख देते हैं। अब इसके बाद इसको समझिए पहले परिभाषा कि चाल क्या होता है, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी और उस दूरी को तय करने में उस वस्तु का द्वारा लगा समय का जो अनुपात होता है, रेशियो जो होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो यहां से परिभाषा आपको लिखना याद रखना आसान होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई, भाई इसको एक लिया तो चाल दूरी के बराबर, मतलब समय जब एक लेंगे तो जितना दूरी होगा वही चाल हो गया आपका। तो दोनों परिभाषाएं सही है। तो हम एक लिख देते हैं, इसमें क्या लिखे, ए लिख देते हैं एकांक, या सॉरी किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है, तय की गई दूरी उस वस्तु की चाल कहलाती है, चाल कहलाती है। चलें, ये हमारा चाल की परिभाषा हो गई। अब हम थोड़ा चाल के जो है बात करते हैं कि चाल कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है। थोड़ा सा देखें आप, हम यहां से जानते हैं कि चाल में दो बातें हैं, एक दूरी दूसरा समय, दो राशियां हैं, दो राशियों पर चाल निर्भर करता है, एक तो दूरी पर दूसरा समय पर। तो अगर हम दोनों की व्यवस्था देखें तो दूरी भी हमने बताया कि दूरी अदिश होता है और समय आपका अदिश है ही है। जैसे आप समय जानते हो, किसी से पूछ दें कि समय कितना हो रहा है तो कहते हैं घंटे दो घंटे, लेकिन ये नहीं कहते हैं घंटे पूरब पश्चिम की बात तो कहते नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं समय भी अदिश है, समय को दर्शाने के लिए दिशा का कोई रोल नहीं, कोई बहुत भूमिका नहीं। इसलिए समय अदिश हुआ और दूरी भी अदिश हुआ। तो जब ये दोनों अदिश है तो इनसे चाल मिला तो चाल भी हमारा क्या होगा, अदिश होगा। अब यहां से क्या कह देंगे, चाल कैसी राशि है, चाल हमारी अदिश राशि है, एक बात। दूसरी बात यह है कि चाल के हम मात्रक की बात करें तो चलिए देखिए यहां से चाल का मात्रक क्या होगा भाई। ये देखिए चाल बराबर जो होता है आपका, चाल बराबर होता है दूरी के बटे समय, अभी मैंने बताया भी आपको। तो अब देखिए यहां से अगर हम बात करें चाल के मात्रक की बात करेंगे तो दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। और हमने बोला कि मात्रक के लिए तीन पद्धति को देखते हैं, पहला कौन कौन इधर लिख देते हैं, पहला कौन होता है सीजीएस पद्धति, दूसरा कौन होता है यमकीएस या एसआई पद्धति, तीसरा की हमने बात किया या पीएस पद्धति। ये तीन पद्धतियों में हम किसी मात्रक को लिखते हैं। तो अगर हम यहां से बात करें चाल का मात्रक, अगर हम बात करेंगे सीजीएस में, तो सीजीएस में दूरी किस में नापते हैं हम, पहला यहां लिखे सीजीएस के अनुसार बात करें तो चाल का मात्रक हमारा क्या होगा, चाल का मात्रक होगा, या इधारे कब लिख दें, दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होगा हमारा, सेंटीमीटर, अब प्रति क्या होगा, सेकेंड हो जाएगा। अर्थात हम चाल की मात्रक अगर सीजीएस के अनुसार लिखते हैं तो चाल का मात्रक हमारा क्या होगा आपका, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। दूसरी बात करते हैं एमकेएस के अनुसार, तो एमकेएस के अनुसार इसका मात्रक क्या होगा आपका, ये होगा, जानते हैं कि एमकेएस में लंबाई को, दूरी को मीटर में नापेंगे, समय को सेकेंड में, तो क्या होगा आपका, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड होता आपका। तीसरी पद्धति की बात करते हैं हम एफपीएस के अनुसार, तो चाल का मात्रक क्या होगा, जानते चाल को एफपीएस में जो है चाल में दूरी किस में नापेंगे हम, फुट में, और समय को सेकेंड में,
तो हम क्या कहते हैं फुट प्रति सेकंड, ये हमारा क्या होगा आपका, ये हमारा जो है चाल का मात्रक या पीएस के अनुसार हो गया या पीएस के अनुसार। तो ये हमारा चाल के तीन मात्रक होते हैं सीजीएस में, एमकेएस में और एफपीएस में, क्रम वाला इसमें लिख दिया। तो ये चाल की बात हुई, चाल किसे कहते हैं, चाल के चाल कैसी राशि सदिश यादिश और चाल के मात्रक क्या होते हैं, तीनों ने बात कर लिया आपसे। अब आगे हम थोड़ा बात करते हैं चाल के बाद जो है थोड़ा हम बात कर लेते हैं वेग, वेग की बात करें तो वेग किसे कहते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो वेग इसको बोलते हैं वेलोसिटी, वेग वेलोसिटी होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं। और देखिए वेग क्या होता है, वेग का जो फार्मूला होता हमारा होता है विस्थापन के बटे समय, अर्थात हम ये कह दें कि वेग की परिभाषा क्या होगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन या उसके द्वारा जो उस वस्तु का जो विस्थापन होगा, किसी गतिशील वस्तु का विस्थापन और उसके समय का अनुपात उस वस्तु का वेग कहलाता है। ठीक, अर्थात वेग जो देगा हमारा उस वस्तु का विस्थापन और समय का जो अनुपात आएगा वो उसके वेग को दर्शाता है। अर्थात जानते हैं यहां से हम कि वेग हमारा क्या होता है आपका, विस्थापन हमारा क्या होता है सदिश होता है और ये अदिश, और सदिश में जब अदिश का रेशियो निकालेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो सदिश मिलती है, इसलिए हम कह सकते हैं वेग हमारा सदिश राशि होता है। तो पहले तो हम वेग की परिभाषा की बात करते हैं, अगर परिभाषा के लिखने सिस्टम में यही लिख सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के विस्थापन और समय का अनुपात उस वस्तु का वेग कहलाता है, या हम ये कह सकते हैं किसी गतिशील वस्तु इसको अगर हम एक मानेंगे भाई, समय को अगर एक मान लें तो हम क्या कह देंगे, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई विस्थापन या उस वस्तु एकांक समय में वस्तु का जो विस्थापन होता है वही उस वस्तु क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। तो यहां से लिखें परिभाषा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में, एकांक समय में जो विस्थापन होता है, जो विस्थापन होता है उसे उस वस्तु का वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। ये हो गया हमारा परिभाषा। अब हम अगर मात्रक की बात करें, पहले कैसी राशि इसकी बात करें, तो बता ही दिया आपको कि वेग क्या होता है हमारा सदिश राशि होता है, वेग कैसी राशि होता है सदिश, सदिश राशि है। और हम मात्रक की बात करेंगे तो ये तीन पद्धति में बात करेंगे, तो पहले पद में अगर बात करेंगे सीजीएस के अनुसार, तो सीजीएस के अनुसार इसका जो मात्रक होगा वो देखिए क्या होगा, वेग का जो मात्रक होगा, वेग का मात्रक ये क्या होगा, देखिए विस्थापन का मात्रक बटे समय का मात्रक, और विस्थापन का मात्रक सीजीएस में सेंटीमीटर होता है और वेग का मात्रक समय का मात्रक सेकेंड होता है, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड हो गया आपका। और अगर हम दूसरी की बात करते हैं जमकीय पद के अनुसार इसका मात्रक, एसआई पद के अनुसार वेग का अगर मात्रक की बात करें, लिख लें इसको हम वेग का मात्रक, ये क्या आएगा आपका या क्या होता है देखें, तो ये क्या होगा यमकीय से देखे हम विस्थापन का मात्रक लेंगे तो मीटर होगा और समय का मात्रक सेकेंड, तो हमें क्या कह देंगे इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। हम आगे बात करते हैं तीसरा एफपीएस के अनुसार, तो एफपीएस के अनुसार वेग का जो मात्रक होगा, वेग का मात्रक बराबर ये देखो क्या हो जाएगा आपका, मिल जाएगा लंबाई को मापेंगे विस्थापन को फुट में मापेंगे और बटे क्या हो जाएगा सेकेंड। तो हमने आपका जनरली बात कर लिया गतिशील वस्तु क्या होता है, विराम वस्तु क्या होता है या स्थिर वस्तु क्या होता है, इसकी बात किया। फिर हमने दूरी का बात किया, विस्थापन आपको बताया, फिर वेग और चाल और वेग और उनके मात्रकों को, तो इतनी बात हमने आज कर लिया। अब इसके बाद अगले वीडियो में मिलते हैं, आज इतना ही, बस धन्यवाद।